सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि दिवाली का माहौल चल रहा है तो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल दोस्तों बार बार आती जा रही हैं। दोस्तों 8 नंबर से लेकर 13 नंबर तक दोस्तों फिर से सेल स्टार्ट होने वाली है फ्लिपकार्ट पर, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने इससे पहले वाली सेल में से कुछ नहीं खरीदा था या फिर अपनी शॉपिंग नहीं कर पाई थी, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों जो 8 नंबर से स्टार्ट होने वाली है फ्लिपकार्ट पर दोस्तों उनमें आपको एक्सिस बैंक, सिटी बैंक और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक और दोस्तों ICICI बैंक पर 10% रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें दोस्तों चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, आपके दोस्तों कोई सा भी कार्ड हो, आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा अगर आपके पास इन चारों बैंकों में से कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है और कोई भी कार्ड है आपके पास, दोस्तों आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा अगर आप कोई भी आइटम खरीदते हो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर है, काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपने इससे पहले की सेलों में कोई शॉपिंग नहीं कर पाई थी तो आप 8 नंबर से लेके और 13 नंबर के बीच में शॉपिंग कर सकते हो फ्लिपकार्ट पर, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। चाहे आप स्मार्टफोन खरीदो, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदो या फिर दोस्तों आप कोई फैशनेबल चीज़ खरीदो, कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर ये सेल 8 नवंबर से स्टार्ट होगी जो और दोस्तों 13 नवंबर तक चलेगी। दोस्तों जिनके पास प्लस मेंबर वाली मेंबरशिप है उनके लिए दोस्तों ये सेल 7 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों जो लोग अमेजन से शॉपिंग करते हैं तो दोस्तों उन लोगों को बता दूँ कि अमेजन पर सेल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो हमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा SBI क्रेडिट कार्ड पर। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास नहीं होता है, बट दोस्तों वहाँ पे भी सेल स्टार्ट हो चुकी है, तो जिन लोगों के पास SBI क्रेडिट कार्ड है वो लोग वहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं और दोस्तों अमेजन की सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि जब भी वो कोई सेल से आइटम खरीदते हैं दोस्तों तो उस आइटम का उनको बिल नहीं मिलता, यानी कि जो भी वो कोई चीज़ खरीदते हैं तो दोस्तों उस बॉक्स के अंदर उस सामान का बिल ही नहीं आता। दोस्तों काफ़ी लोगों की ये दिक्कत है, काफ़ी लोगों को ये परेशानी है कि उनका बिल क्यों नहीं मिलता। जब बिल नहीं मिलेगा दोस्तों तो उसकी कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसकी वारंटी कैसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है, दोस्तों काफ़ी लोग हैं कि जो मोबाइल खरीदते हैं लेकिन उसका जो बिल होता है वो बॉक्स के अंदर निकलता नहीं है। दोस्तों उनका ये मानना है कि अगर उनके फ़ोनों की दिक्कत आती है तो वो उसकी वारंटी कहाँ से लेंगे जब बिल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके बॉक्स से बिल नहीं निकलता है, चाहे आप शॉपिंग अमेजन से करो या फिर फ्लिपकार्ट से करो, अगर आपके बॉक्स में आपने जो सामान खरीदा है उसका बिल नहीं निकलता है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने जिस भी साइट से, जिस भी वेबसाइट से आपने वो सामान खरीदा है आपको वहीं पे उसका बिल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बिल कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसे निकालते हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो, जो दोस्तों इनवॉइस नाम से वीडियो का टाइटल होगा, आप उस वीडियो देख लोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि आप अपने किसी भी आइटम का बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल से। क्योंकि दोस्तों जो भी हम आइटम अपने मोबाइल से शॉपिंग करते हैं अपने मोबाइल से ऑनलाइन, तो दोस्तों उसका बिल हमारे मोबाइल में ही आ जाता है, जिसे हम दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं और उसी को अपने सर्विस सेंटर ले आकर अपने आइटम की सर्विस करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में आकर चेक कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आप किसी भी आइटम का बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। दोस्तों अमेजन सेल का और फ्लिपकार्ट सेल का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दोस्तों ये सेल खत्म होने के बाद आपको फिर कोई भी सेल देखने को नहीं मिलेगी दिवाली के बाद तक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।